नहीं, तेवर सख्त होने भी चाहिए सर, क्योंकि पानी जब सर से ऊपर बहने लगता है ना, तो आदमी का के तेवर सख्त हो जाते हैं, और होना भी चाहिए। अभी शाही जी कह रहे थे कि 7 साल इस सरकार के हो गए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वास्तव में एक बार भी संगठन के प्रतिनिधिमंडल से कोई मुलाकात नहीं की, जबकि लोकतंत्र में ये सब होना चाहिए। लोकतांत्रिक देश है हमारा, सबकी बातों को सुनना चाहिए। देखिए, समस्या का समाधान होना न होना वो एक अलग बात है, लेकिन हमारी बात को जब कोई सुनता है, मैंने कई बार कहा आपके चैनल पे कि जब किसी पीड़ित पक्ष की समस्या को कोई सुनता है तो उसकी आधी बीमारी आधी समस्या तो ऐसे ही दूर हो जाती है। उसको लगता है कि इस धरती पे कोई ऐसा मानव है, इस धरती पे कोई ऐसा इंसान है जो हमारी पीड़ा को कम से कम सुन तो रहा है, समाधान, और जब सुनेगा तभी समाधान करेगा। मैं परसों जब ब्रजेश पाठक जी के यहाँ गया, हमारी ये उनके यहाँ तीसरी मुलाकात थी, इससे पहले गोरखपुर में एक दो मुलाकात हुई थी, तो मुझे लगा उनके अंदर दर्द है, वो अनुदेशकों के लिए कुछ करना चाहते हैं। उनकी पीड़ा को मैं समझ रहा था, उनके चेहरे के भाव को मैं देख रहा था, उनकी बातों को मैं सुन रहा था, और जिस प्रकार से एक छटपटाहट थी, मैं देखा परसों उनके यहां जिस प्रकार से एक छटपटाहट थी उनके अंदर कि लोगों की समस्या का समाधान कैसे हो, और देखकर तो अच्छा लगा, लेकिन इस समस्या पैदा कैसे हुई और आने वाले समय में उसका समाधान कैसे हो पाएगा, ये तो सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा। लेकिन कुछ बहुत कुछ स्थितियां बदली हुई हमें मिली, अब आगे कितना वो बदला हुआ रहेगा, उसके कितने अच्छे परिणाम आएंगे, क्या क्या रिजल्ट आएंगे, किस किस की समस्या का समाधान होगा। लेकिन मैं कल जिस प्रकार से परसों वहां देख रहा था, स्थितियां काफी कुछ बदला हुआ था, और इसी बदले हुए परिस्थितियों में भी हम लोगों की मुलाकात हुई। और इससे पहले जो हमारे मांग पत्र को उन्होंने सचिव के यहाँ भेजने का कार्य किया था, लेकिन परसों उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने पीए को कहा कि इस मांग पत्र को माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजो, तो कहीं ना कहीं बदलाव दिखा। अब कितना रिजल्ट मिलेगा ये तो आने वाले भविष्य बताएंगे। हालांकि पिछले बार जो माननीय ब्रजेश पाठक जी ने सचिव को संबोधित किया था वो काफी दूर तक गया था, वो मांग पत्र हमारा काफी दूर तक गया था, उसके रिजल्ट परिणाम, चूंकि मैं कल सचिव महोदया से भी मिलने का प्रयास किया अपर्णा यू मैडम से, लेकिन मुझे सूचना मिली कि अपर्णा यू मैडम किसी ट्रेनिंग में गई है नैनीताल, और वो 1 महीने के बाद आएंगी, तो उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। हालांकि मैंने प्रमुख सचिव सुंदरम साहब के ऑफिस में भी फोन किया था मुलाकात करने के लिए, हालांकि वहां हमारी वो दर्ज हुआ है, अभी तक फोन नहीं आया है, और कहा गया है कि आपको बुलाया जाएगा मिलने के लिए। आज फिर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ फोन किया था, जब से रिजल्ट निकला है 4 जून से, मैं 7वीं बार, आज 7वीं बार मैंने मुख्यमंत्री का ऑफिस में फोन किया, कार्य उनके आवास पे, और हर बार मेरा नाम नंबर नोट होता है, लेकिन अभी तक मुझे कोई संदेश नहीं मिला है, अभी तक मुझे बुलाया नहीं गया है। लेकिन यह प्रयास मैं लगातार जारी रहूंगा, तब तक जारी रखूंगा जब तक कि मुझे बुलाया नहीं जाता है। हालांकि 2021 से पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से 56 बार मिला, गोरखपुर से लखनऊ लेकर, जब चाहता था मिल लेता था। 21 के बाद स्थितियां बदली हैं, परिस्थितियां बदली है, ना जाने क्यों बदली है, ये तो एक यक्ष का एक सवाल है। लेकिन लगातार प्रयास जारी रहेगा और संघर्ष जारी रहेगा, और जब तक अनुदेशकों का मान सम्मान वापस नहीं होगा, क्योंकि अनुदेशकों के मान सम्मान के लिए तो मैंने बहुत कुछ न्यौछावर कर दिया है, मुझे बहुत कुछ मिल रहा था इस शासन सत्ता के द्वारा मिल रहा था, लेकिन मैंने अपना जमीर और अपना स्वाभिमान मैंने वहां बेचना मंजूर नहीं किया। मैंने कहा कि नहीं, ये यहाँ मेरा जमीर साथ नहीं दे रहा है, मैं अपना जमीर नहीं बेच पाऊंगा, और आपको करना हो तो सबके लिए करिए, और उसी के बाद से मेरी मुलाकात नहीं हो पा रही है। लेकिन प्रयास जारी रहेगा, देखता हूँ कब तक
मुलाकात के लिए नहीं बुलाया जाता है और संघर्ष जारी रहेगा। हम लोग ने अपने संगठन के लोगों को एक हफ्ते का होमवर्क दिया है कि जो कल महानिदेशक मैडम ने हम लोगों को कहा वो सारा डॉक्यूमेंट हमारे संगठन के जो सक्रिय विधिक टीम के जो लोग हैं, जो हमारे अनुदेशक साथी हैं, वो सब लोग लग गए हैं, सारे उस शासनादेश को इकट्ठा कर रहे हैं और सारी फाइल बनाकर एक हफ्ता से 10 दिन के अंदर हम महानिदेशक मैडम क्या पहुंचाएंगे आदरणीय आर के निगम सर के साथ उनके सानिध्य में, और विनय कुमार सिंह सर के साथ, उनको भी सर कल आना था विनय सर को, लेकिन उनकी कल एक और कहीं मीटिंग लग गई थी इसलिए विनय सर नहीं आ पाए। हालांकि परसों की मीटिंग में उन्होंने काफी हमारी मुद्दे को जोरदार तरीके से आर के निगम सर को बताया था, तो हम साई जी के बहुत शुक्रगुजार हैं कि साई जी ने विनय सर से हमारा परिचय कराया, इस चैनल में विनय सर आए, आपकी देन है। तो हम इसके लिए काफी आशान्वित रहते हैं और आशावादी लोग हैं, संघर्ष हम लोग करते रहेंगे जब तक कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को उसका सम्मान नहीं मिल जाता, क्योंकि हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। हमें किसी सरकार से, किसी पार्टी पॉलिटिक्स, जो भी सरकार आएगी, इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लखनऊ में 56 दिन का धरना हम लोगों ने लगातार चलाया था, तो हम तो सरकार से ही मांगेंगे, किसी की भी सरकार हो हम सरकार से मांगेंगे और सरकार ही हमारा भला कर सकती है। हम सरकार के कर्मचारी है और जिस प्रकार से मुझे याद है यही उत्तर प्रदेश में मेरठ खेल विश्वविद्यालय बना था, उसके उद्घाटन में इस देश के प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने कहा था कि हम शारीरिक शिक्षा को और खेल को अनिवार्य विषय बना दिए हैं, कला को अनिवार्य विषय बनाया गया है, कंप्यूटर को अनिवार्य विषय बनाया गया है, नई शिक्षा नीति में कृषि को अनिवार्य विषय बनाया गया है, गृह विज्ञान को अनिवार्य विषय बनाया गया है, फल संरक्षण उद्यान को अनिवार्य विषय बनाया गया है। 29 जुलाई 2020 को जब इस देश में नई शिक्षा नीति लागू हुई थी तो उसमें स्पष्ट रूप से नई शिक्षा नीति में, और हम तो जो सरकार लागू करती है उसी को मांगते हैं। यदि आपने 29 जुलाई 2020 को कस्तूरी रंगन जी के नेतृत्व में जो नई शिक्षा नीति बनी थी और इस देश के प्रधानमंत्री जी ने उसको लागू किया था, और उसमें जब 5.5 में जब लिखा है कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के सभी विषय को, चाहे वो शारीरिक शिक्षा हो, कला, कंप्यूटर, कृषि विज्ञान, गृह विज्ञान, फल संरक्षण उद्यान हो, जब इनको मुख्य विषय बनाया गया है और उसमें अस्थाई अध्यापक की बात कही गई है, तो हम तो इसी को मांग रहे हैं, क्योंकि सरकार ने इस बात को कहा है। हम सातवां वेतन आयोग की बात क्यों करते, जब 2016 में सातवां वेतन आयोग लागू हुआ जिसका न्यूनतम वेतन या मानदेय 18,000 रुपया हुआ, और बाद में इसको बढ़ा के इस देश के प्रधानमंत्री जी ने 28 अगस्त 2017 को 24,000 कर दिया। तो जो आप करते हो हम उसी को मांग कर रहे हैं ना, हम तो कोई अलग से अपना कोई जियो नहीं ला रहे हैं ना, हम तो अपना कोई जियो नहीं लाता है ना, उत्तर प्रदेश का अनुदेशक कोई अपने जियो की बात तो नहीं करता। आपने जो जियो जारी किया, आपने जब 28 अगस्त 2017 को ये भारत सरकार का राज्य पत्र जारी किया जिसमें 24,000 मानदेय की बात हुई, हम तो उसी को मांग रहे हैं। और जब उसके बाद नई जो नई शिक्षा नीति लेकर आए, आप उसमें नियमितीकरण की बात कर रहे हैं, आप उसमें स्थायी अध्यापक की बात कर रहे हैं, तो हम तो उसी की मांग कर रहे हैं। और हम मांग तो सरकार से करेंगे, हमारा जल्दी एक प्रतिनिधिमंडल, इसकी भी प्लानिंग बन रही है, दिल्ली में जाकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय में भी पैरवी करेगा, और जो हमारे जो अनुदेशकों का जो जिसमें अंशकालिक शब्द है और जो 100 बच्चों वाली है, इसको भी लेकर हम दिल्ली में पैरवी करेंगे, प्रयास करेंगे। मतलब उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक उत्तर प्रदेश के जो अनुदेशक संगठन का प्रयास जारी रहेगा। अगले महीने से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों खुल रहे हैं, वहां भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा है उसकी भी अगस्त में डेट लगी है, उससे पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो जुलाई में जैसे ही कोर्ट खुलता है हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ वहां प्रयास करेंगे कि बेंच बदलने के बाद हमारी वहां भी सुनवाई हो, जिससे उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के को मान सम्मान वापस मिले और इस विभाग में हमारी भी इज्जत बढ़े, हमारी भी पूछ बढ़े, और जो अंत्योदय अंतिम व्यक्ति का उदय कैसे हो, जो दीनदयाल जी कहते थे, तो अंतिम व्यक्ति तो इस समय शिक्षा विभाग में कौन है,
अनुदेशक है, शिक्षा मित्र है, रसोईया है, इसका उदय कैसे हो इस सरकार को तय करना चाहिए। और हम लगातार सरकार से ही मांगेंगे, क्योंकि हम सरकार के ही कर्मचारी हैं, सरकार के ही दिशा निर्देश का पालन करते हैं। सरकार का जो आदेश आता है, निर्देश आता है, उत्तर प्रदेश का 27,555 अनुदेशक उसको लेकर लगातार संघर्ष करता है। हम शाही जी से आग्रह करेंगे कि आपका जो मांग पत्र हो उसमें कम से कम 2 नंबर पे उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों की नियमितीकरण की बात हो, और उसी पे जब तक नियमितीकरण ना हो तब तक सम्मानजनक जो न्यूनतम मानदेय है 24,000 उसकी बात हो। हम साई जी से रिक्वेस्ट करेंगे, बड़े भाई हैं, आपका आशीर्वाद हमेशा मिला है, इसको अपने मांग पत्र में जरूर शामिल करें। और जब भी अनुदेशक संगठन को आपका आह्वान होगा, आपके संगठन का आह्वान होगा, हम लोग एकदम कदम से कदम मिलाकर आपके साथ हमेशा तैयार रहेंगे। जी साई जी, साई जी के पास आ जाते, कुछ कहना भी चाह रहे थे, सीधे साई जी के पास आ जाते। साई जी एक बड़े ही नेक दिल इंसान है और मददगीर इंसान है, बड़ा खुला दिल रखते हैं और हिम्मत रखते हैं। दिल अलग होता है लेकिन हिम्मत और हौसला अलग होता है। तो विक्रम सिंह का भी हम धन्यवाद करते हैं कि साई जी जैसे आपकी से मुझे भी मुलाकात कराई। और साई जी हर संभव प्रयास करते हैं कि लोगों की मदद कैसे हो, और जब ये जज्बा होता है तो वहां कुछ ये नहीं होता है कि कोई प्रोग्राम करें, कोई बातचीत करें, मदद करने का जज्बा अलग होता है। मेरे पास है मदद करने का, लेकिन कुछ भगवान ने संकट जीवन में ला दिए हैं, उनकी वजह से थोड़ा सा कमजोर होता हूं। नहीं, मैं अपना सब कुछ दांव पर हर समय लगाने के लिए तत्पर रहता हूं। जब किसी सरकार के खिलाफ आवाज उठानी होती है तो सब कुछ दांव पर लगता है, मान सम्मान, आय सोर्स, इनकम, घर परिवार, एक चीज नहीं लगती है। जब हमें ये सार्वजनिक हम सवाल करते हैं तो हम ना सब कुछ खुलेआम दांव पर है, मंच पर है। हो सकता है मेरे बेटे के साथ कुछ कोई गड़बड़ी करे, हो सकता है बच्चों के साथ करे, परिवार के साथ करे, मेरे साथ करे, तो सब कुछ दांव पर लगाकर लोग मदद कर पाते हैं और इसके खामियाजी भी उठाने पड़ते हैं। मैं सीधा साई जी के पास चलूंगा। साई जी, मैं व्यक्तिगत अनुभव विक्रम जी से साझा करना चाहता हूं। देखिए, मैं 1990-91 में छात्र राजनीति में नेशनल पीजी कॉलेज बढ़ा के चिल्लू पार में है, उसमें मैं महामंत्री निर्वाचित हुआ था। और ब्रजेश पाठक जी उस समय भी छात्र राजनीति में थे, और विनय शंकर तिवारी जो पूर्व विधायक चिल्लू पार के हैं, पंडित हरशंकर तिवारी के पुत्र, उनके साथ थे। तो उनसे मुलाकात हमारी 1991 में हुई थी चिल्लू पार में ही, और तब से व्यक्तिगत रिश्ते उनसे हैं मेरे। ये अलग बात है कि आज विनय शंकर तिवारी और ब्रजेश पाठक के रिश्ते ठीक नहीं हैं। हम लोग कई बार मिलने का काम किए थे विक्रम जी, उन्होंने जो बताया हूबहू बता रहा हूं कि साई जी आप सब जानते हैं। उप का मतलब चुप होता है, उप का मतलब क्या होता है विक्रम जी? चुप होता है। तो मैं पुनः कह रहा हूं कि गलत ट्रैक नहीं, सही दिशा आपका है महानिदेशक, वो सही लाइन है। और रही मांग पत्र में डालने की, तुझसे कुछ होता होता नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, प्राकृतिक व्यवस्था एक है, अगर बच्चा चिल्लाता नहीं तो मां भी उसको भोजन नहीं देती है, ये प्राकृतिक न्याय की व्यवस्था है। आप चिल्लाओगे, तारकेश्वर शाही, विनय सिंह और तमाम तमाम शिक्षक कर्मचारी अपने संगठन के साथ आपके कंधे से कंधा मिलाएंगे, आपकी कोई मदद नहीं करेगा इस तरह से कि हम लड़ लेंगे आपको दिला देंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। हमको खुद लड़ना होगा, आप लड़िए, हम आपके साथ हैं, संगठन के साथ, अन्य तमाम संगठनों को आपके साथ खड़े कर देंगे। विनय सिंह जी का भी एक संगठन है, एक मोर्चा है, हमारा भी संगठन है, मोर्चा है, और तमाम तमाम संगठन है, इसको मैं आपके साथ खड़ा कर दूंगा, लेकिन लड़ना पड़ेगा। आप कहेंगे घर बैठ के आपको मानदेय मिल जाएगा सम्मानजनक 24,000 का, संभव नहीं। ये आपके लिए भी है और शिक्षा मित्र संगठन के लिए भी है। तो लड़िए, आपके साथ हम हैं। हम पुनः अपने उन शिक्षक कर्मचारियों को जो विसंगति के शिकार हैं, जिनका विज्ञापन उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2005 के पहले का है, नियुक्ति बाद में हुई है,
हमारे संगठन ने शंखनाद कर दिया है ट्विटर अभियान के रूप में, कल 12 बजे से लेके 4 बजे तक ट्वीट करना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, वो मैं भेजूंगा ग्रुपों में भेजूंगा कि क्या ट्वीट करना है 10 बजे के आसपास, 12 बजे की शुरुआत है। तो हम सभी उन साथियों से जो विसंगति के शिकार लोग हैं उनके लिए चुनाव के बाद इस संघर्ष का बिगुल बज गया है। हम सिर्फ एक मुद्दे पे फिलहाल लड़ रहे हैं, हम 100 मुद्दा नहीं करते विक्रम जी, 100 मुद्दे पे नहीं बात करते कि ये भी हो जाए वो भी हो जाए, ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, सड़कों को गर्म करने वाले लोग हैं। फिलहाल हम 3-3-23 के आधार पे जैसे 7 राज्यों ने मेमोरेंडम जारी किया उसी तरह का मेमोरेंडम योगी आदित्यनाथ सरकार से भी जारी करा के रहेंगे। उसके लिए हमारा अभियान शुरू हो गया है, ट्विटर अभियान जून का है, इसमें लगा हुआ है। और कहीं इसमें लगा है क्या पूरे देश में? ये तानाशाह सरकार अगर अब भी नहीं चेतेगी तो ये तय जानिए 27 उनके लिए बड़ा भारी हो जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए, जो लोकसभा का चुनाव हुआ है भारतीय जनता पार्टी 100 के अंदर सिमट गई है, अगर विधानसभा वार देखा जाए तो। अगर अब भी होश नहीं आएगा तो ईश्वर ही मालिक है। फिर गोरक्षनाथ से ये प्रार्थना करूंगा कि सद्बुद्धि दीजिए अपने शिष्य को, ताकि शिक्षकों कर्मचारियों आमजन अंतिम व्यक्ति तक न्याय मिले, न्याय पहुंचे। और पुनः मैं कहूंगा कि ये जो 50 बच्चों वाली जो व्यवस्था अभी जारी की गई है निदेशक द्वारा कि 50 से कम बच्चे रहेंगे शिक्षक और बच्चों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ये आत्मघाती कदम होगा सरकार के लिए। पुनः कहता हूं जी मिश्रा जी। नहीं बिल्कुल सही कहा आपने कि इससे क्या होगा, एक तो शिक्षकों की परेशानी बढ़ेगी और दूसरे गांव में तो बच्चा आता नहीं, अपने गांव में आता नहीं। अगर बगल के गांव में चला गया तो क्या वहां जाएगा? कल वहां भी 50 से कम हो जाएंगे, कल वहां भी 50, फिर कहां ले जाओगे? ये धीरे धीरे कुकुरमुत्ते की तरह विद्यालय खुले हुए हैं, कुकुरमुत्ते की तरह विद्यालय खुले हुए हैं और अवैध विद्यालय संचालित हो रहे हैं, प्राइवेट विद्यालय, उसको रोकने की हिम्मत आपको नहीं है। आपके अधिकारी क्या कर रहे हैं कि प्राथमिक विद्यालय जूनियर विद्यालय के अगल बगल कॉन्वेंट विद्यालय चल रहे हैं बिना मान्यता के, उस पर लगाम अब नहीं लगाओगे? आप जो टीचर जो प्रधान अपने विद्यालयों को टाइल्स वाइल्स लगा के सजाया हुआ है उसको आप बेचने की साजिश है, ये साजिश सफल नहीं होने दी जाएगी। जी मिश्रा जी चलिए बिल्कुल बिल्कुल, साही जी का, विक्रम सिंह जी का, सुरेंद्र दुबे का और शिव कुमार शुक्ला का बहुत बहुत आभार, आपने समय दिया। मैं अपने सभी दर्शकों को हमेशा बिल्कुल सही बातें सुनवाता हूँ। साई जी जिस टेबर में बात कर रहे हैं आज उसी टेबर में सरकार से सवाल करके जवाब मांगने की जरूरत है। देखो इस सरकार में चंद दिन पहले जब जनवरी का महीना था हम चर्चा कर रहे थे तो उस समय कई लोग हमें कमेंट लिखते थे और बातचीत करते थे कि क्या हुआ, लोग जवाब नहीं दे पाते थे, लोग कहते थे विपक्ष है कहाँ, विपक्ष है कहाँ। आज जनता ने चुनाव लड़ा, विपक्ष आ गया। अब विपक्ष इतना ताकतवर है कि प्रधानमंत्री ये अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं। आज जिस ताकत में राहुल गांधी ने नीट के मामले में सवाल किया है वो सरकार बैकफुट पर आती दिख रही है। महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक 2 राज्यों में उठापटक मची पड़ी है। अगर समय होता तो सरकार गिर जाती, समय नहीं है। विपक्ष बलि का बकरा बनाकर इन्हें राजनीतिक लाभ नहीं लेने देगा। कई चीजें हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।